नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड का नया नगर पुलिस थाना, जिस पर करीब 8-10 महीने से आरोप लग रहे हैं कि इस पुलिस थाने में जाति को देखकर ही यहां पर न्याय मिलता है। हम अगर यूं कह सकते हैं कि यहां पर पुलिस पर पक्षपाती का आरोप लग रहा है तो गलत नहीं होगा। ऐसे कई सारे मिसालें हैं जिसमें आप खुद समझेंगे कि यहाँ पर जब हिंदू शिकायतकर्ता आता है तब उसकी शिकायत दर्ज होने से पहले ही अगर मुस्लिम आरोपी है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में FIR दर्ज होता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब कोई मुस्लिम शिकायतकर्ता आता है तो उसे महीनों चक्कर काटना पड़ते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती है। इसकी पूरी जानकारी यहाँ के सीनियर PI विला सुपे को भी है और वो न जाने क्यों इस तरह से पक्षपात करते हैं, क्यों इस तरह से दो धर्मों को अलग अलग नजरे से देखते हैं, ये तो वही जाने। बहरहाल मैं आता हूँ इसी मुद्दे पर के नया नगर में जो यहाँ पर लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम समाज की सुनवाई नहीं होती है, जल्दी नहीं होती है, उन्हें टालने की कोशिश की जाती है, उन्हें ओपिनियन के बहाने लटकाया जाता है, उन्हें घुमाया जाता है। ऐसी ही एक बुजुर्ग महिला जो शिकायत करता है पिछले 5 महीने से इसी नया नगर पुलिस थाने में चक्कर काट रही है। हम उनसे जानते हैं कि वो क्यों चक्कर काट रही है और उनका क्या पूरा मामला है। वो बुजुर्ग महिला हमारे साथ में है। जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम साजिदा बानो मोहम्मद हारून सैयद। जी आप यहाँ पर किस लिए आ रहे हैं पुलिस स्टेशन में? मैं यहाँ 4 महीने से, 4 दिसंबर से आ रही हूँ 2023 से। मुझे मेरे FIR चाहिए था। मुझे जिस घर में मैं थी मेरा डिपॉजिट नहीं मिल रहा है, केस चल रहा 2012 से मेरा केस लड़ी मैंने, आखिर मुझे घर से निकाला गया, मुझे मेरा डिपॉजिट वापस नहीं हुआ। मैंने घर का पैसा सब भरी और टैक्स भी भरी मैंने 1.5 लाख, सब मेरा पैसा ब्लॉक हो गया है। जज ने मुझे वादा किया कि तुमको पैसा मिल जाएगा, तुम घर खाली कर दो, तुम कहीं भी जाके रहो, उसके ओनर पे तुम केस करो, FIR करके लेकर आओ, हम तुम्हारा पैसा दिलाएंगे करके। इस वजह से मैं आई FIR करने के लिए इधर। तो 4 दिसंबर 2023 से जब से मैं चक्कर कर रही हूँ, सब जगह से मैंने साइन लेके आ गई, जिधर जिधर बोले उधर से सब साइन लेके मैंने एप्लीकेशन डाली। मैंने आज इतने महीनों से फिर रही हूँ, अभी तक मुझे इंसाफ नहीं, मेरे को FIR नहीं मिल रहा है। बोले कब तक मैं चक्कर मारते रहूँगा, एक FIR के लिए इतने महीने लगते हैं क्या मुझे एक FIR मिलने के लिए? और मुझे FIR की ज़रूरत है। जब FIR जाएगा मेरा केस भी अच्छा होगा, फिर मुझे पैसा भी मेरा जो है मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा। आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपके जो जांच अधिकारी है उनका क्या नाम है और वो क्या आपको रिस्पॉन्स देते? ऐसे 3-4 लोग के पास भेजे मेरे को, ये तीसरा चौथा नंबर है सुधीर थोरा। वो मुझे बुलाते हैं, बोले अभी मैं आई, एक बार फ़ोन करके बुलाए मैं आई, मैं सब मैंने अपना सब जितना भी जो भी था मैंने बताई और सब पेपर बताई मैंने। तो बोले कि अच्छा ये तो नहीं हो सकता, तुम्हारे बिगैर तुम घर बेचे किसी को, तुम्हारे सामने घर बेचे तुम, नहीं नहीं बोले सब जानकारी उन्होंने कर ली है, मालूम हो गया कि चिटिन हुआ मेरे साथ में। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारा केस बनता है, मैं FIR बना के दे दूंगा बोले। अब जब से मैं चक्कर मार रही हूँ इस आपके पास, इनके पर मैं भरोसा करके आई सुधीर थोरात के पास, इन्होंने मुझे भरोसा दिया, आश्वासन दिए कि मैं तुम्हारा FIR बना के दूंगा। आज इतने महीने हो गया अभी तक FIR नहीं मिला, कब तक मैं चक्कर मत करूं? आप यहां पर जो सीनियर PI है विला सुपे, उनसे मुलाकात किए नहीं कभी? की मैंने उनसे भी मुलाकात हुई, 2-3 जनों से भी मुलाकात हो गई मेरी। तो उन्होंने बोले अच्छा क्यों नहीं मिला अभी तक, आपको तो मिल जाना चाहिए बोले, 10 दिन के अंदर मिलेगा करके अभी मेरे को गए मना ही बोले। आज जो इतने दिनों अभी तक मिला नहीं मेरे को। मतलब आप 5 महीने बीत गए आपका FIR नहीं हुआ? नहीं, 5 महीने बीत गए अभी तक हाथ में FIR नहीं आया मेरे, और कितने महीने लगेंगे FIR के लिए? मुझे एक FIR के लिए मैं इतना तड़पते रहूं भीगते रहूं, और ये गरीब मैं पैसा डालते हैं, मेरा पैसा जा रहा है, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हूं, मेरे को एक FIR दिला दो बस होगा। मैं यही चाहती हूं कि साहब से कि मेरा जल्द जल्द मेरा FIR दे दो मुझे। आप अपने बारे में कुछ जानकारी देंगे कि आपके घर में कितने मेंबर है, कौन कौन है? मेरी बेटी है, मैं उसको जॉब नहीं है, और 2 उसके बच्चे हैं और मैं हूँ, बेटा रहता है दूर बस, अब उससे हमारा कुछ है ही नहीं गुजारा इससे। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आला अधिकारी है मीरा भाईंदर वसे विरार पुलिस कमिश्नरेट के, उनसे कुछ गुहार करेंगे, कुछ मांग करेंगे? हाँ, तो उनसे यही मांग करूंगी कि आप पर मेरी बहुत मेहरबानी होगी, मुझ पर दया करके मुझे जल्दी से जल्द FIR दिला दे। और किस बात की मैं दया करूँ, आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे FIR दे दो ताकि मेरा काम हो जाए कोर्ट के अंदर।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह वो बुजुर्ग महिला सीनियर सिटीजन है, करीब 5 महीने से इसी नयानगर पुलिस थाने के चक्कर काट रही है। इनका जो मामला है उसे मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि ये जिस घर में रहा करते थे वहाँ पर उन्होंने हेवी डिपॉजिट में वो घर लिया था। घर मालिक ने वो घर किसी और को बेच दिया। जब ये अपना पैसा मांगने के लिए गई तो मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जिसने घर खरीदा था उसको पोजीशन देने के लिए कहा और इनसे कहा कि आप जाकर नया नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कीजिए। पिछले 5 महीने से ये बुजुर्ग महिला चक्कर काट रही है कि उसका FIR हो जाए तो वो आगे के प्रोसेस कर सके और उसे अपने पैसे मिलने की उम्मीद उसकी जाग सके। इसके चलते वो यहाँ पर चक्कर काट रही है, लेकिन नया नगर पुलिस थाना यहाँ पर जो भेदभाव कर रहा है, यहाँ पर जब किसी भी मामले में लोग शिकायत करने के लिए आते हैं तब उन्हें कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम ओपिनियन मंगाएंगे और PP के ओपिनियन के बाद में ही आपका जो भी मामला है उस पर हम संज्ञान लेंगे या उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि नया नगर पुलिस थाना जो हमने जो देखे यहाँ पर मीरा रोड में, के 4 साल पहले जब इस नया नगर पुलिस थाने को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था तो उस वक्त के PI कैलाश बर्वे ने इसे जिस खूबी से और जिस खूबसूरती से इस पुलिस स्टेशन को बनाया, इसका निर्माण किया, वो काबिले तारीफ है। इसे नया नगरवासी नहीं भूलेंगे। नया नगर में कैलाश बर्वे ने जो काम किया है लोग आज भी याद करते हैं कि उन्होंने हर तबके को, हर घटक के लोगों को उन्होंने न्याय देने का काम किया था। उसी के साथ साथ में जब यहाँ पर जितेंद्र वानकोटी ने चार्ज संभाला, उनके चार्ज संभालने के बाद में भी यहाँ पर उन्होंने जो कि मुस्लिम नया नगर इलाका है, यहाँ पर बहुल मुस्लिम बस्ती है, लोगों का उन्होंने दिल जीता, इतना दिल जीता कि जब यहाँ पर दंगे की हालत हो गई तो उन्हें खासतौर से बुलाया गया था। वनकोटी अच्छी तरह जानते थे कि नया नगर के लोग कैसे, उनके मेंटेलिटी कैसी है और उन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है। उन्होंने भी यहाँ पर जो काम किए हैं उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ चुके हैं, लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, उनके काम को याद करते हैं। लेकिन जब से इस नया नगर पुलिस थाने में सीनियर PI विलास सुपे ने चार्ज संभाला है तब से लोगों को न्याय नहीं मिलता है। लोग न्याय पाने के लिए यहाँ पर दर दर भटकते हैं, लोगों को FIR दर्ज करने के लिए 5-5 महीने यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। इस खबर के माध्यम से हम मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों से अपील करना चाहेंगे कि अब तक नया नगर पुलिस थाने से जितने भी एप्लीकेशंस PP के ओपिनियन के लिए गए हैं उसकी बारीकी से जांच की जाए और कहीं वहां पर जाति या भेदभाव तो नहीं किया गया है, वहां पे धर्म देखकर यहां पर काम करने की कोशिश तो नहीं की गई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल आशा करते हैं कि इस बुजुर्ग महिला जो पिछले 5 महीने से एक FIR के लिए दौड़ रही है, उस FIR की जो हमने जानकारी निकाली है कि यहाँ पर ACP और DCP का भी यहाँ पर पॉजिटिव ओपिनियन आ चुका है मामला दाखिल करने को लेकर, लेकिन कई दिन बीत चुके हैं अब तक मामला यहाँ पर दर्ज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल जरूर खड़ा होता है नया नगर पुलिस थाने के सीनियर PI विलास सुपे के कार्यभार पर, उनके कार्य पद्धति पर, कि कहीं वो जाति और रंगभेद देखकर तो काम तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का आला अधिकारी जरूर संज्ञान लेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।